करो टुकड़ा हाँ करेंगे अब उसको दोबारा परेशान ले जाएगा उस दारू पीने शमशान से खबरस्तान से कहां से लाए थे तुझे कहां से पकड़े थे शमशान से खबरस्तान से शमशान से आया खबरस्तान से आया नशे करा रहा उसको अंदर बैठ के दारू पीने लगा रहा हम लोगों को बुरा बोलने लगा रहा उसके अंदर बैठ के किसको भी अल्लाह के बारे में बुरा बोलने लगा रहा था उसको हाँ कमीने अल्लाह की दुनिया में रहकर अल्लाह को बुरा बोल दिया हाँ नहीं करेगा नहीं मुंह पे हाथ मार दे तो बता कर जोर से मार मुंह पे हाथों तो बता जोर से तो बता ऐसा के तो बता जोर से जोर से तभी काट कर टुकड़ा कर दूंगा गर्दन का तेरे हाँ जल्दी जोर से हाँ जल्दी तो अल्टा के बोल चीख मार के चीख मार काट दूं करूं दो टुकड़े मैं सोच रहा हूँ तेरी गर्दन काट के बाहर टांग दूंगा लोग आएंगे तो उनकी गिनती कर जनता की कितनी आ रही कितनी जा रही हाँ क्या खड़ा चीख रहे हो हाँ तो बात बात कर जल्दी जोर से तो बात पिलाएंगा उसको दारू करेगा नशा करेगा लड़ाई लड़ेगा उसके अंदर बैठ के दूसरा गालियां देगा नहीं बहुत दारू पी के फोन लगा के उस गालियां देने लगा तुम लोगों को तो बात कर जल्दी तो बात माला कमीने चीर डालूंगा तुझे चीर के दो टुकड़े भाग डालूंगा तेरे लोगों का सता था बेगुना उड़ेगा उसकी कमाई ली जाके बाहर उड़ेगा काटूंगी ऐसा चीरू तो बात कर जल्दी तो बात कर क्या करना तुझे पॉटल में गाड़ने लगा दूं हयामत तक के लिए गाड़ दूं जमीन में गाड़ दूं क्या क्या करना तेरा जमीन में डाल दूं क्या बाटल को गाड़ देना बाटल के अंदर डाल दूं क्या बाटल के अंदर हाँ जोर से फिर तेरा कैसा आलम हो जाएगा अगर मैं तुझे बाटल में डाल के गाड़ दूंगा तो हमेशा के वास्ते कैद हो जाएगा कयामत तक के वास्ते अंदर बैठ के रहेगा हाँ डाल दूं सताएगा दोबारा कोई इंसान को इसको मारने वाला था क्या तू डालूंगा पी रहा था नहीं नहीं तकिए का काम चल रहे तेरे से कमीने अभी काट दूंगा दो मिनट में तेरे हाथा वाता जल्दी बता मुझे चल जल्दी अरे घर में लड़ाई भी लगा रहा था उसके उसका रिश्ता भी नहीं हम दे रहा था उसका तुझ हाँ उसका रिश्ता तुला दे रहा था तू तेरे हाथ क्या कर रहा था उसके रिश्ते का आ रहा था रिश्ते के आड़े आ रहा था उसके ले लो ऐसे हाथा काट तेरे यहाँ तेरे को ऐसे काटोगे नहीं 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 पिंगा दारू करेगा सताएगा नहीं तो बाकर चल तो जोर से तो चीख मार के तो बाकर चीख मार पिंगा दारू सतेंगा दोबारा नहीं लिखेंगे उसकी कमाई बर्बाद करने को नहीं नाला कमबख्त कैमरा दोबारा में दो मिनट अंदर बैठ के दारू पी रहा उसके अंदर दारू पी के जा रहा हम बाद में क्या कर रहा किसको भी फोन लगा के कुछ भी बोलने लगा रहा लोगों को लड़ने लगा रहा हम बाद में उसको याद नहीं रह रहा हूँ क्या कर रहा किसको अंदर की ये कमी ना कर रहा था और उसका रिश्ता भी नहीं तमाशे कर रहा अंदर बैठ के कमाई यही के लिए जाता हूँ पी के सा खराब कर रहा था कहाँ से आया खुद ब खुद आया छोड़े ला के अंदर बैठ के हाँ काट के लिए क्या कर देता हूँ शमशान कब्रस्तान कहाँ से तुझे ताकत मिल रही वो पूछा मैं जल्दी बोल
ठीक है तेरे हाथा काटने की तैयारी करनी, जकड़ लो उसके हाथों को तेज के साथ में। बाप का गल्ला दबाया था रात में। अरे तू दबाया था क्या उसके बाप का गल्ला? तूने दबाया था? जोर से बोल। क्यों दबाया था वजह? क्यों जल्दी बोलो, कर दूंगा ऐसे पूरा। हाँ क्यों दबाया था? क्यों दबाया था? क्यों दबाया था बोल जल्दी। नहीं मालूम। क्यों दबा रहा था? नहीं मालूम, नहीं मालूम। उसका बाप तेरे को पीने दबा रहा था। पीने को मारा था। सब मालूम रहता है मामा, कभी नहीं तुझे काट के खत्म कर देंगे। तबा कर जल्दी, तबा तबा कर, भाग के जाने को घर। तबा कर तेरा रात चल रहा है। कभी नहीं तबा तबा सतेंगा दोबारा सतेंगा। ठीक है तेको एक मौका दे रहा हूँ, सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ। कितना मौका दे रहा हूँ? कितना दे रहा हूँ? कितना दे रहा हूँ? कितना मौका दे रहा हूँ? लेके टाइगर तोड़ा। अब इसके बाद अगर तू उसको सतेंगा या अंदर आके दारू पींगा तो कमीने तेरी जबान भी काट दूंगा, तेरी मुंडी भी काट दूंगा बाहर, तेरी मुंडी टांग दूंगा काट के, अंदर हाथा भी काट के टांग दूंगा बाहर। समझ गया ना? उसको छोड़ के इज्जत से निकल जाना, दोबारा उसके अंदर बैठ के कोई दारू पीना नहीं, कोई चालबाजी चलना नहीं। अरे फौना लगा के लोगों को गालियां देता, अरे इतनी तेरी हिम्मत कमी ने, काटू तेरे हाथा। तो कर जल्दी। क्या मरा दिल मतलब ये अंदर बैठ के भलाया, इसके मनमानी बताऊं के भलाया, अंदर बैठ के दारू आप पी के सब परेशान कर रहे। अब आम जनता और आम लोग तो यही समझ रहे होंगे कि ये छोकरा दारू आप पी के मनमानिया कर रहा है, कि छोकरा नशे कर रहा है, कि मगर इसके अंदर बैठे लिए बलाएं सता रही थी, बलाएं कर रही। जहां पर बार बार इंसान नशा करने के करीब ना जाते हुए भी जाना चाह रहा, तो समझ जाना कि वहां कोई दूसरी दुनिया की कोई चीज है जो उसको खींचते मिल जाकर उन्हें नशा करा रही, या उन्हें उसको आदत लग गई बुरी। कौन सी भी आदत लगा सकते, कौन से भी इस पे जो बार बार दवा गोली खाने के बाद बीमारी राइट नहीं हो रही, तो समझ जाना कि दूसरी दुनिया का वार है, कोई बीमारी नहीं है। तो ये सब हरकत है जो बार बार तुम अपने कारोबार की तरक्की तुमको मिल रही नहीं, उसमें तुम्हारी रुकावटें आ जा रही, तभी बर्बादी हो जा रही, कंपनियां बंद पड़ जा रही, कंपनियों की सेल्स नहीं हो रही, समझ जाना ये जादू टोना है। क्योंकि कंपनियों के शेयर मार्केट में ये सब जो चीजें गिराते जादू टोने बहुत तेजी के साथ गिरते हो, जादू टोना जरा सा कर दी तो जाते। इसलिए पहले से ही बंदिशों में रहो, पहले से ही बंदिशां करके रहो, तुम ये सब हवाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, सब वबाओं से आफतों से अल्लाह सबको महफूज रखे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य तुफैल में। क्योंकि तुम्हारे घरों में ऐसी वबाएं घुस जाएंगी, बलाएं घुस जाएंगी, तुम हटाने वाला तो ओरिजिनल मिलता नहीं, और बलाएं डुप्लीकेट को गिनते नहीं, उसके सामने हाजिर होते नहीं, उसमें इंसान की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती, पूरे फैमिली के लोग सब घर को हलाक हो जाते। अब ये ऐसे आलम में ऐसे वबाओं में घिर के, और ये करने वाले कौन रहते? तुम्हारे अपने ही रहते, अपनों ही तुमको डाल देते, जो भी दास्तान रहती है एक्स वाई जेड, देखो ना मेरे सारे नाम है दास्तान है, आज तक पूछा वाला हूँ। खैर मैं एक ही बात कहूंगा बार 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 कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह ऐसे वबाओं से बलाओं से जिन्नातों से आफतों से तमाम उम्मत मोहम्मद के आलम इस्लाम सबकी हिफाजत फरमाए। तुम अगर ना मानेंगे ये बातों को, हम नहीं मानते, हम शैतान को नहीं मानते, हम जादू को नहीं मानते, मानना ही पड़ेगा। तुम्हारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल पर, हमने ईमान लाए अल्लाह के एक होने पर, हमने ईमान लाए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुज जमा पैगंबर है, हमने ईमान लाए वलियों पर, हमने ईमान लाए खुतुबों पर, हमने ईमान लाए शैतान है बोलकर, हमने ईमान लाए जहन्नुम है बोलकर, हमने ईमान लाए दोजख है, और हमने ईमान लाए जन्नत है बोलकर। ये सब हमारे ईमान के अंदर है, और हमने ईमान लाए कि जादू है बोलकर। अगर इनमें से हम कोई भी चीज का इनकार करेंगे तो हम ईमान से बाहर हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे, क्योंकि कुरान में जो बातें आ गई उस पर ईमान है हमारा, और हमको ये मानना ही पड़ेगा। और अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर हम ईमान से बाहर हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत करे, तुम्हारे दीन की भी हिफाजत करे, दुनिया व आखिरत सबकी बनाए। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह सबको अच्छे अखलाक और सबको अच्छे तरीके से रखे। ठीक है चलो रोको जरा।